नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य राजेश। आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज का एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले देखते हैं पंचांग। 19 अक्टूबर 2018 शुक्रवार का दिन है, घनिष्ठ राज नक्षत्र है और आज जो तिथि है वह है दशहरा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आपका राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज लाभ का दिन है। आकस्मिक लाभ के संकेत भी और मित्रों की मदद से भी आपको बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। आज आपको कुछ नया करने के लिए अपने मित्रों के पास जाना होगा और उनसे आपको कहीं ना कहीं सहायता लेनी होगी, फिर आप कुछ नया कर पाएंगे। अधिक सोचने के स्थान पर आज करना बेहतर होगा। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए गाय को एक रोटी अवश्य खिलाएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के 5 दिन बहुत अच्छे हैं। उत्तम लाभ मिलेगा, तनाव कम होगा, परिजनों के साथ आनंद की अनुभूति होगी। धन की कोई कमी इस समय में नहीं रहेगी और जो पैसा रुका हुआ था वह भी निकल सकता है। आज आपका दिन अच्छा रहे, अपने भगवान की आरती करें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन आज आपको थोड़ा सा ध्यान की तरफ आगे बढ़ा देना चाहिए। आज अदृश्य शक्तियों के माध्यम से आकस्मिक लाभ के संकेत हैं। या आप कोई कार्य करने जाएंगे, मित्र आपकी आकस्मिक मदद करेगा, कार्य संपन्न होगा। अधिकारी वर्ग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम का उच्चारण 11 बार अवश्य करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए योग अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। खाने पीने पर आप नियंत्रण रखें, विशेष रूप से ठंडा खाने से आज आपको बचना चाहिए। गले पर चंद्रमा है, गले के रोगों को बढ़ा सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। बाकी योग आपके अच्छे हैं, व्यवसायिक सफलताएं मिलेंगी, आपके कार्य आगे बढ़ जाएंगे। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान अवश्य करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के उत्तम लाभ के आज संकेत हैं। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से, परिजनों के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो अपने परिजनों से अपनी समस्या को कह डालें, उनके माध्यम से लाभ मिलेगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है आज कन्या राशि वाले व्यक्तियों का ही दिन सबसे अच्छा है। आपको अच्छे लाभ भी मिल रहे हैं, आपका काम भी संपन्न हो रहा है। वैसे आज आप जिस चीज़ का चिंतन कर रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, जो काम हाथ में है उसे संपन्न करने का प्रयास करें। आपको लाभ भी मिलेगा, कार्य भी जल्दी आपका संपन्न हो जाएगा और आज के दिन को कर्म ही पूजा बनाकर काम करें, आप सफल होंगे। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा थोड़े से विपरीत चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके छोटे से विवाद के कारण परिवार को लेने के देने पड़ जाए, इसलिए वाद विवाद से आप दूर रहें। दूसरा, अकेले रहकर आप काम करेंगे, बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का ही आप कार्य करते रहें, उत्तम लाभ मिलेगा। मात्र आज वाद विवाद से दूर रहें। आज के दोष को मिटाने के लिए बच्चों को टॉफी बांटें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो समय अच्छा है। यदि घर से बाहर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। दूसरे व्यक्ति से कोई काम करा रहे हैं तो उसमें भी वह कार्य आपका संपन्न होगा, लेकिन परिजनों से थोड़ी सी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो वहाँ आप थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें, बेहतर होगा। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए घर में कोई मिठाई अवश्य बनाएं। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए योग बहुत अच्छे हैं और आज आप जिम्मेवारी से भी मुक्त हो रहे हैं। विशेष रूप से यदि कोई काम किसी ने आपको सौंपा हुआ है तो आपके कार्य बहुत जल्दी संपन्न होने वाले हैं। आप दूसरों की मदद के माध्यम से आज प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति आज ठीक रहेगी। आज आपका दिन और भी अच्छा हो उसके लिए आप अपना ही थोड़ा सा एनालिसिस करें ताकि भविष्य में और अच्छे लाभ कमा सकें। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा अच्छा है। आपकी वाणी मधुर है, लोगों से संबंध आपके मजबूत होंगे और जिन लोगों से आप संबंध सुधारना चाहते हैं आज उनसे संपर्क भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। विशेष रूप से परिजनों के माध्यम से तो अच्छे लाभ मिल रहे हैं, रुके धन की भी आज प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए घर के बाहर लोगों को मिठाई अवश्य खिलाएं। कुंभ राशि के व्यक्तियों का दिन अच्छा है, स्वास्थ्य में भी सुधार है और मानसिक तनाव भी आज बहुत कम है। आज आप जैसा सोच रहे हैं वैसे दिन को गुजार भी पाएंगे। थोड़ी सी जल्दबाजी पर आप नियंत्रण रखें और खाना आज समय पर खाएं। हो सकता है कि आप जब काम से निकलें तो खाना आपको दिन भर नसीब ना हो, सायंकाल हो जाए, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। आज आपका दिन अच्छा रहेगा, भगवान शिव जी का ध्यान करके घर से बाहर निकलें। मीन राशि वाले व्यक्तियों का भी 2 दिन थोड़े से कमजोर दिन है। खर्चीले भी हैं, यात्राओं वाले भी हैं, तनाव वाले भी हैं और काम की अधिकता वाले भी हैं, तो ऐसे समय में थोड़ा सा तनाव तो हो सकता है, लेकिन सफलताएं अवश्य मिलेंगी 2 दिन के बाद।
इसलिए इन दो दिन में जो भी घटित हो रहा है उसे सहर्ष स्वीकार करें, कार्य करना शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए मीठी रोटी या बिस्किट आप थोड़े से लेकर गाय को खिला सकते हैं। तो ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है श्याम गोरकर जी का, महाराष्ट्र भंडारा से। आपने इसमें जानना चाहा मेरा प्रमोशन कब होगा, साथ में आपने काम के साथ भी और कुछ व्यवसाय करने का भी आप लिख रहे हैं कि कौन सा व्यवसाय मेरे को फलित होगा, मित्रों की मदद लूँ या ना लूँ और कौन कौन लोगों को इसमें पार्टनर बनाऊँ। उस तरह से आपने श्याम जी जो पत्र लिखा है इसके अनुसार आपको मित्रों के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ नहीं है, इसलिए विशेष रूप से आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी पार्टनर बना रहे हैं उसमें घर का कोई सदस्य है तो आपको लाभ मिलेगा। मित्रों में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ सकती है, इसलिए पार्टनरशिप की आप बात ना करें। अपने जीवन साथी को, अपने भाइयों को इसमें पार्टनर बना सकते हैं। वैसे अभी जो समय चल रहा है ये नौकरी का समय है, इसमें राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा है और ये समाप्त होने को है 2020 नवंबर में जाके। तो नवंबर 20 के बाद यदि व्यवसाय प्लान करते हैं तो आपका ठीक रहेगा, और यदि नौकरी का प्लान कर रहे हैं तो 2025 तक कुंडली के अनुसार आपको नौकरी करना चाहिए। व्यवसाय में जल्दबाजी में नहीं उतरना चाहिए, तब तक आप नौकरी ही करते रहें। 25 के बाद जो व्यवसाय करेंगे उस व्यवसाय में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन से संबंधित वह आपका व्यवसाय होगा वही फलित होगा, और अभी आप जो नौकरी कर रहे हैं इसी में आप मेहनत करते रहें, आपको सफलता मिलेगी। हनुमान जी की आप आराधना करें। मित्रों आज दशहरा है, सबसे पहले तो आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, और दूसरा दशहरे के दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, उन उपायों से लाभ भी बहुत सारे मिलते हैं। यदि आप किसी परेशानी में जूझ रहे हैं तो एक सिक्का ले जाएं, उस सिक्के पर अपनी परेशानी बोलें और जहां रावण जल रहा है वहां पर फेंक आएं। ऐसा करने से आपकी परेशानी बहुत जल्दी दूर होगी, आप करके देखें लाभ अवश्य मिलेगा। मित्रों कहा जाता है संगत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कई बार देखा होगा यदि आप अधिक उम्र के हैं तो आपने बिल्कुल इस बात को अनुभव किया होगा कि सारे दोस्त एक साथ एक दो साल में ही सब सर्विस में आ जाते हैं, व्यवसाय करना एक दो साल के अंतर पर ही सारे दोस्त काम करना शुरू कर देते हैं, तो दोस्ती का एक बहुत बड़ा असर होता है। शादी भी लगभग एक दो तीन साल के अंदर सारे लोगों की हो जाती है, तो यह जो स्थिति बनती है कहीं ना कहीं ग्रह अधीन है और व्यक्ति उससे संबंधित चलता और उससे संबंधित व्यक्ति लाभ कमाता है। यदि आपको कोई परेशानी आ रही हो तो अपना मित्र एक ऐसा बना लें जो उसमें सफल हो रहा हो, जैसा कोई व्यवसाय आपका कमज़ोर चल रहा है उस व्यवसाय से संबंधित कुछ दोस्तों से आप संपर्क करना शुरू करें जिनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो धीमे धीमे आपका व्यवसाय भी अच्छा चलना शुरू हो जाता है। तो दोस्ती ऐसे लोगों से करें जिससे संबंधित आपको काम निकालना हो, लेकिन स्वार्थ बनकर दोस्ती करने में नुकसान होता है, मित्र बनकर दोस्ती करने में फ़ायदा होता है। मित्रों आज इतना ही, यदि आप भी हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है astrologywithacharyarajesh@gmail.com। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, कल पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।